मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के 4 नए नोटिस। और फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में उन सभी नोटिस को देखने वाले हैं। देखिए, कुछ नोटिस जो है इंपॉर्टेंट हैं, कुछ आपकी आंसर कीज आई हुई हैं उसका नोटिफिकेशन है, और कुछ जो है वैकेंसी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है वो उनके नोटिफिकेशन भी आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फ्रेंड्स देखिए, आप अनअकैडमी में पढ़ते हैं तो अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और फ्रेंड देखिए, अगर आप हरियाणा जेई का एग्जाम फॉर्म भर दिया या RRB जेई का फॉर्म भर दिया, तो उन सभी की टेक्निकल वीडियोज़ आपको अनअकैडमी मिल जाएंगी, और GK GS करंट अफेयर की वीडियोज़ भी आपको अनअकैडमी मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, जैसे कि GK GS मैथ रीजनिंग करंट अफेयर टेक्निकल, सभी की वीडियोस की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वैसे ही अनअकैडमी भी आपको मिल जाएगी, तो फ्रेंड दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं ऑनलाइन और देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आया हुए हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग आ गए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट पर, और इस पर जाकर आपको जो पब्लिक नोटिस है उस पर जाकर क्लिक करना होगा। पब्लिक नोटिस पर हमने जैसे कि क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपको न्यू 4 नोटिस देखने के लिए मिलेंगे जो कि अभी अभी आए हुए हैं रात के टाइम। तो देखिए, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला नोटिस देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है कोर्ट केस जो अटेंडेंस जो है वो कल का है, ठीक है। कोर्ट अटेंडेंस शिफ्ट जो है वो कल का है, ओके। जो आज का है मतलब कि रात में जो आया था नोटिस टू कैंडिडेट फॉर एडवाइजर नंबर, तो यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर देख लेते हैं, चौथे नंबर का देख लेते हैं ये क्या दिया हुआ है, तो इसको भी हम देखते हैं वन बाय वन सबको देखेंगे। देखिए, पोस्ट फॉर सब इंस्पेक्टर की जो है, तो देखिए ये एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हमने, यहाँ पर देखिए लिखा है नोटिस टू द कैंडिडेट फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है 6/2018 और 7/2018, ठीक है। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन टू ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न कैंडिडेट दैट मे यूज द अंडर मैंशन लिंक फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ से आप भर सकते हैं, जो आपको यहाँ से लिंक दी हुई है, ठीक है। तो ये दी हुआ है, और ये कब का है, 29 है। और फ्रेंड्स बता दें कि ये जब भी नोटिफिकेशन देते हैं 2-3 दिन पुराना ही नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है, ओके। चलते हैं और देखते हैं ये जो आई हुई आंसर कीज फॉर पोस्ट ऑफ सब फायर ऑफिसर, क्या है कि सब फायर ऑफिसर की जो है आंसर कीज आई हुई हैं, तो सब फायर ऑफिसर की आंसर कीज जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो है देखिए सेट ए है, और देखिए यहाँ से आप ये जो है आंसर कीज देख सकते हैं, ठीक है। सेट बी की आंसर कीज, ओके, और 4 पेज ही हैं मात्र। देखिए सेट बी और सेट सी, ओके, सेट सी दिख गया आपको, सेट डी, ठीक है। तो ये सेट डी जो है बस यहाँ तक ही आपके आंसर हैं, आप आंसर कीज देख सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ मात्र 4 सेट मिलेंगे ABCD फायर, सब फायर जो है सब फायर में, ओके। आपको जो फायर का एग्ज़ाम, सब फायर का एग्ज़ाम जो दिया था उसका आंसर कीज आ चुकी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा देख लिया, तो देखिए यहाँ पर लिखा आंसर कीज फॉर पोस्ट ऑफ फायर स्टेशन ऑफिसर, ठीक है। सब फायर ऑफिसर की हमने देख ली, अब फायर स्टेशन ऑफिसर की देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी इसकी भी जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, ये देख रहा है यहाँ पर देखते हैं कितने पेजेस हैं, तो ये कि यहाँ पर भी 4 पेजेस हैं, तो देखिए ये भी 4 पेजेस हैं, और ये आपको आंसर कीज दिख रही है, ठीक है। तो ये आंसर कीज जो है आपको वेबसाइट पे दिख जाएगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की, और आप वहाँ से डाउनलोड करके इसीलिए देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर जिसने भी अगर जैसे कि मान लीजिए आपको पता है किसी का पेपर था, तो आप इस वीडियो को उसको सजेस्ट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बैक चलते हैं, और यहाँ पर देखते हैं एक और नोटिफिकेशन है, लास्ट वाला, नोटिस टू कैंडिडेट रिगार्डिंग आंसर कीज फॉर द पोस्ट ऑफ फायर स्टेशन ऑफिसर एंड सब फायर स्टेशन ऑफिसर। तो ये फ्रेंड बता दें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें इंफॉर्मेशन है, और क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखने वाले हैं आपके लिए। तो देखिए, ये जो है वो किसके लिए, देखिए यहाँ लिखा नोटिस टू कैंडिडेट फॉर फायर स्टेशन ऑफिसर एंड सब फायर स्टेशन ऑफिसर अगेंस्ट एडवाइजमेंट नंबर लिखा है 11/2017 नंबर 1 और नंबर 2 रिस्पेक्टिवली ऑफ अर्बन और लोकल बॉडीज, ठीक है, फायर सर्विस हरियाणा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए पढ़ने वाले। इट इज़ इंटीमेट दैट राइटिंग एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट फायर स्टेशन और सब फायर स्टेशन ऑफिसर एडवाइजमेंट नंबर दिया है, ओके, अर्बन, और ये यहाँ पर, हाँ, यहाँ से हम देखते पढ़ते हैं क्या लिखा है। हरियाणा वॉज कंडक्ट ऑन
4/1/2019, मतलब कि जो है 4 जनवरी 2019 को ये जो है वो कंडक्ट हुआ था मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। द कमीशन हैज़ अपलोड द आंसर कीज ऑन द वेबसाइट, देखिए वेबसाइट पर आंसर कीज सबमिट कर दी हैं, मतलब उनकी आ चुकी हैं। ऑफ एबव सेड राइटिंग एग्जामिनेशन इफ एनी कैंडिडेट हैव एनी ऑब्जेक्शन, जहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको किसी प्रकार का किसी भी आंसर कीज में आपको कुछ भी त्रुटि समझ में आती है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ही मे बी सबमिट हिज क्वेरी ऑब्जेक्शन द कैंडिडेट फॉलोइंग स्टेप, तो फॉलोइंग स्टेप जो होंगी वो आपको यहाँ पर करनी होंगी। तो देखिए सारी डिटेल दिखा देता हूँ जी, जो स्टेप है वो कर सकते हैं, स्टेप में से कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात तो नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना होगा, ब्लू करके दिखेगा, उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और आपको देखिए बता दूँ आपको आपको करना क्या है, या फिर आप डायरेक्टली ये जो लिंक दी हुई है यहाँ पर से जो कॉपी करके इसको या फिर उसको डालकर STPP, तो डायरेक्ट आपकी ओपन हो जाएगी और आप इससे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। देखिए द ऑब्जेक्शन राइज बाय द कैंडिडेट बाय एनी ऑब्जेक्शन मीन्स विल नॉट बी एंटरटेन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो ऑब्जेक्शन होता है वो हमेशा दो टाइप का होता है, समझ लीजिए। कैसा फर्स्ट ऑब्जेक्शन कैसे होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्शन बता देता हूँ मैं आपको। तो कि फर्स्ट ऑब्जेक्शन कैसा होगा, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है, और ये ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं 4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें से किसी भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा, आपका आंसर आ रहा है लेकिन मैच नहीं कर रहा, तो आप क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव जो है वो उनमें डिस्क्रिप्शन सी है या वो सही नहीं है, ओके। अब आपको अब क्या है, अब देखिए अब एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको और ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्टिव दिया है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ऐसा दिया हुआ है कि वो सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कि आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है, इसलिए ऑब्जेक्शन का ऑब्जेक्शन से ये मिल नहीं रहा है और मैच नहीं कर रहा, आंसर ही नहीं आ रहा है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में ही डिस्क्रिप्शनसी है या क्वेश्चन में ही त्रुटि है। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें वो लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका ऑब्जेक्शन जो है, ऑब्जेक्शन जो आपने किया है वो मान्य नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा और उसका नंबर नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगी आपसे वो सही सही कीजिएगा। अब हम डेट देख लेते हैं, द कैंडिडेट मे, अब डेट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट है, मैंडेट मे सबमिट हिज ऑब्जेक्शन फ्रॉम 31 जनवरी से 2 जनवरी तक कर सकते हैं, 31 जनवरी से 2 फरवरी होगा आई थिंक, ठीक है, यहाँ पर गलत लिख गया है फ्रेंड्स, 31 जनवरी से 2 फरवरी है वो, ठीक है, क्या है 2 फरवरी, 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी है, 2/5 है, ठीक है, देन लिखी गया वो यहाँ पर गलत लिख गया है आई थिंक, ये तो सही सबको दिख रहा होगा, गलत लिख गया है, 31 जनवरी से 2 फरवरी तक है और वो भी 5 बजे तक है, देयर फोर नो ऑब्जेक्शन विल बी एंटरटेन बाय द कमीशन, द कैंडिडेट आर एडवाइज एंड एडवाइज टू क्लियर स्पेसिफाई द ऑब्जेक्शन अलॉन्ग विथ नेम ऑफ पोस्ट एडवाइजर, देखिए आपको अपना नेम, ठीक है, पोस्ट का नेम, कैटेगरी नंबर, एग्जामिनेशन डेट एंड कब थी एग्जामिनेशन, मॉर्निंग में थी, इवनिंग में थी, शिफ्ट कौन सी थी, आपका जो है वो सेट नंबर कौन सा था, वो सब लिखना होगा, विच द ऑब्जेक्शन इज राइट, अदरवाइज ऑब्जेक्शन विल नॉट बी कंसिडर, द ऑब्जेक्शन शैल बी कंसिडर बाय द कमीशन एंड इट्स डिसीजन इज इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल एंड एवेल्युएशन ऑफ द पेपर शैल अकॉर्डिंगली टू अकॉर्डिंग बी डन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको जो है वो 2 फरवरी से पहले पहले ऑब्जेक्शन करना है, 31 जनवरी से निकल से आप कर सकते हैं और यहाँ से 30 आज से ही कर सकते हैं, क्योंकि आज ही है, ठीक है, आज ही है 31 जनवरी, तो आज से कर सकते हैं और आज से और कब तक कर सकते हैं, 2 फरवरी तक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्शन जो है वो कर दीजिएगा, क्या होगा ऑब्जेक्शन करेंगे तो ऑब्जेक्शन करने के बाद आपको डेफिनेटली रिप्लाई आएगा, तो आप आंसर कीज लिख लीजिएगा और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक फ्रेंड्स मिल गई हुई सबसे पहले, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही सही इन्फॉर्मेशन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के बाद फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी, आपके कितने नंबर बन रहे हैं फायर सब स्टेशन में, तो फ्रेंड्स मुझे जरूर बताइएगा, जिससे क्या जितना भी कट ऑफ में बनाऊंगा वो इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड मुझे बता दीजिएगा कितना आपका जो है आंसर आ रहे हैं, आंसर कीज के अकॉर्डिंग कितने नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे होंगे उतना हम जो है कट ऑफ बनाएंगे उसके हिसाब से और आपको एक्जैक्टली कट ऑफ मिल जाएगा, ओके। जैसे क्या रिवाइज आंसर कीज भी आएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई थिंक फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो कमेंट करके मुझे बताइएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, सारे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ फ्रेंड्स। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को जो है लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कैसी लगी वीडियो, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत कम लोगों के पास है। उन लोगों के पास पता नहीं होना कि जो आंसर कीज है वो कब आई हैं, और आंसर कीज में ऑब्जेक्शन जो है वो कब तक करना है, क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ पर भी त्रुटि हो गई है। वहाँ पर भी जो है जनवरी के जगह और फरवरी के जगह जनवरी लिखा लिखा है, लेकिन फ्रेंड्स वो फरवरी है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने आई थिंक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, तो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, उसके बाद आएगा बेल का आइकन, उसे भी दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।